हेलो नमस्कार, दिस इज दीपक सम्राट चौधरी फ्रॉम रेडियो उड़ान और आज आपके साथ मैं जुड़ा हूँ अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अनदेखी जिंदगी। अब आप बोलेंगे ये अनदेखी जिंदगी ऐसा नाम हुआ मेरे दोस्त, तो मैं बताता हूँ एक जिंदगी जो हम जी रहे हैं, जो हमें पहले से ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, हमें पैदा होते के साथ ही समाज के द्वारा की जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे 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 की जाती हैं, तो वो हुई देखी हुई जिंदगी। और एक अनदेखी जिंदगी जो आप जब बड़े होते हो अपने चेतना के स्तर को उठाते हो, अपने कॉन्शियसनेस को उठाते हो ज्ञान के द्वारा बोध के द्वारा, तो उसके बाद पता पड़ता है कि इस जिंदगी के उलट भी एक जिंदगी है जो प्रैक्टिकलिटी पर चलती है, उसका नाम है अनदेखी जिंदगी। तो इस प्रोग्राम में जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा चुभने वाले हैं, क्योंकि ये बात होगी अनदेखी जिंदगी के बारे में जो कि इसके अंदर चल रही हैं ये चीजें। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक है प्यार, इश्क और मोहब्बत, या जो भी आप नाम देते हो या इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हो, हम धीरे 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 उनको खोलने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं हम सभी के बारे में। तो अब टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जो आजकल चल भी रहा है कि भैया प्यार बेसिकली ये प्यार है क्या, आप बोलेंगे। तो मैं इसको कुछ लाइन में अगर एक्सप्लेन करूं तो एक प्यारी सी लाइन्स हैं कुछ जिनको मैं बताना चाहूँगा कि प्यार एक दूसरे को जानना भी है, खुद को पहचानना भी है, गलत को गलत और सही को सही मानना भी है, प्यार गुसलखाने में गाना भी है, किसी को अपने घर खाने पर बुलाना भी है, किसी का दुख दर्द सुनना और अपना बताना भी है, प्यार अपना हाथ देकर किसी को उठाना भी है, कांटे हों कहीं तो उसे निकालना भी है, पत्थर है कोई रास्ते में तो उसे हटाना भी है, प्यार अगर मान मनोबल है तो कुछ उलहाना भी है, प्यार जिंदगी भर का हिसाब है, जोड़कर उसमें कुछ घटाना भी है, प्यार जितना जताना भी है उतना छिपाना भी है, और प्यार आंसू बहाना भी है और प्यार मुस्कुराना भी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत चीज़ जिसे हम प्रेम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, इसमें काफ़ी मतलब बोलूँगा समर्पण चाहिए होता है। जितना आप भगवान को खोजने में, भगवान से जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए जितना एफर्ट डालते हैं ना, उतना ही एफर्ट चाहिए होता है इस प्यार तक पहुँचने के लिए, इस प्रेम तक पहुँचने के लिए। जिसमें से मैं बात करूँ तो अगर मैं 10,000 लोगों की बात कर रहा हूँ तो उसमें से मात्र 10 लोग ही हैं जो इसके करीब पहुँच पाते हैं, इवन प्रेम तक भी नहीं पहुंच पाते, उससे थोड़े करीब ही जा पाते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा ही हमें ट्रेंड किया गया है बचपन से, ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है हमें कि हमें बताया नहीं गया एक्चुअल में प्यार है क्या। और आप इतने छोटे तल के, निम्न तल के प्रेम पर चले जाते हैं जो कि बॉलीवुड, हॉलीवुड एडवर्टीजमेंट, आपको सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आपको बहकाती रहती हैं, दिखाती रहती हैं, आप उसी में घूम जाते हैं। तो एक और चीज़ है जो एक और लाइन है मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि प्रेम को लिखना बहुत सरल है, प्रेम को जीना न सरल है न कठिन, प्रेम को निभाना प्रेम को लिखने और जीने से कठिन है, मगर सबसे कठिन पता है क्या है? जिए हुए प्रेम को भूल पाना। जी हाँ, अब आप समझ तो गए होंगे हमें किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण और राधा की, जो असलियत में प्रेम का प्रतीक है। चलो उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये प्रेम होता क्या है, ये प्यार होता क्या है, मतलब कैसे पहचाने हम कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारी गलतियां हम इस प्यार में कर रहे हैं कि एक नकली प्यार, असली प्यार, ऐसा सब कुछ बोलते हैं, सच्चा प्यार, झूठा प्यार, पता नहीं क्या। प्यार प्यार है मेरे दोस्त, प्रेम सिर्फ प्रेम है, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया वो जो कुछ ढकोसला है ना, वो प्रेम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो जब आपको प्रेम हो रहा है, जब आपको प्यार हो रहा है मेरे दोस्त, अगर आपको लग रहा है, बेसिकली ऐसा होता नहीं है, अगर आपको गलती से लग रहा है कि आपको कुछ प्यार हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ वो आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन लेकर आ रहा है या फिर होश यानी कि चेतना लेकर आ रहा है। यानी कि कहते हैं ना कि आपका जो लाइफ में कोई इंसान आ रहा है तो उससे आपको सुख मिल रहा है, कंफर्ट जोन मिल रहा है, या फिर एक चैलेंज मिल रहा है। क्योंकि अगर सुख मिल रहा है, कम्फर्ट जोन मिल रहा है, तो मेरे दोस्त ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी ईगो को एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब मुझे चेंज नहीं होना। यानी कि आपको जो जैसे आप हैं उसी में स्वीकार कर रहा है, उसी में आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो संभल जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि वो प्यार तो नहीं है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी बेचैनियों को शांत करने के लिए सबसे पहले आपके लिए आ रहा है एक प्यारा सा गाना, जिससे आपकी बेचैनियाँ थोड़ी सी तो शांत होंगी, लेकिन ज़रूर आइएगा वापस, क्योंकि हम मिलने वाले हैं इसी टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही गहरा रहने वाला है।
मुझे है इतनी बेचैनियाँ, होठों से छू लो मुझे है इतनी बेचैनियाँ, कुछ तो कहो दिल से मेरे क्यों इतनी इस रात में खामोश क्यों, हम साथ में जी ले जरा हम तुम यहाँ कम कर भी दे ये फासले, होठों से छू लो मुझे नमस्कार। अगर आपको मोहब्बत हो गई हो इस प्यारे से गाने से तो अब वापस आ जाओ ना बाबू इस अंधे की जिंदगी के फसाने पे। तो हाँ, हम बात कर रहे थे प्रेम के ऊपर, प्यार के ऊपर, कि आखिर हम प्यार को पहचाने कैसे, कि क्या सही है क्या गलत है, आजकल का प्यार वाला प्यार कौन सा है जिसको हम फेक लव, ट्रू लव, बाबू सोना लड्डू पकौड़ा छोले भटूरे ये सब बोलते हैं, या फिर अपना प्रैक्टिकलिटी पे चलने वाला प्यार जो वाकई प्रेम होता है वो क्या है, उसे पहचाने कैसे। तो मैंने बोला था ना जैसा आपको कि प्यार तुमको क्या दे रहा है, सबसे पहले देखिए सुख दे रहा है या होश दे रहा है, मेरा कहने का मतलब है कंफर्ट दे रहा है या चेतना दे रहा है, कॉन्शियसनेस दे रहा है। अगर सुख मिल रहा है, अगर आपको कंफर्ट जोन मिल रहा है तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है फिर, क्योंकि ये फिर आपको आपके ईगो को एनकरेज करेगा, आपके ईगो को मोटिवेशन देगा कि भैया चेंज नहीं होना है, तू जैसा है ना परफेक्ट है, सामने वाला भी आपको वही फील कराएगा कि हाँ कि
कि आप तो जैसे हो जो उसकी तलाश थी, मैं तो वही ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, वो तो आपको यही फील कराएगा कि आप तो भाई दुनिया के एकमात्र स्पेशल इंसान हो जिसको वो कब से सदियों से तलाश थी। तो फिर तो आपका ईगो बढ़ जाएगा, और ईगो जहाँ बढ़ जाता है वहाँ पर विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला स्टेटमेंट एकदम सटीक सेट बैठता है। तो ईगो को कभी ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ रेड फ्लैग मिल रहा है जिसमें आपको देख रहे हो सामने वाला तो आपके जैसा हो आप उसी में आपको अप्रिसिएट कर रहा है, आपको बदलने के लिए आपके बेटरमेंट के लिए काम ही नहीं कर रहा। तो जहाँ पर इंसान आपको कह रहा हो जैसे आप हो उसी में सेटिस्फाइड है, और वो भी एक्सपेक्ट करता है फिर आपसे कि वो जैसा है उसमें आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप पे ना तो कोई उंगली उठाता हूँ या उठाती हूँ, ना ही मैं आपसे बदलने के लिए बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरे से ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा कुछ आपको रेड फ्लैग मिल रहे हैं जो आपको, मतलब देखिए बौद्धिक तल पे यानी कि हमारे जो हमारा ब्रेन होता है ना वो हमको साइन देने लगता है पहले से ही कि सही और गलत क्या है, बट आपका ईगो आपका इमोशंस जो आप पे हावी हो रखे हैं वो आपको वहाँ से भागने नहीं देते, ऐसे रेड फ्लैग को आपको देखने नहीं देते। होता क्या है कि अगर ज़िंदगी में कोई आ रहा है वो चैलेंज की तरह आ रहा है, यानी कि अगर आपकी कुछ कमियाँ हैं जो कि होती हैं, सबसे पहले तो आप खुद से आप बात करिए, कोई भी इंसान कुछ कोई भी आपके सराउंडिंग में परफेक्ट है क्या, कोई परफेक्शन में है क्या, नहीं है। सबको बदलने की ज़रूरत है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, सबको अपने बौद्धिक तल पे अपने आप को उठाने की ज़रूरत है। अगर आपके बेटरमेंट पे, अगर आपके इम्प्रोवाइजेशन पे कोई बोलेगा आपसे बात करेगा तो आपका ईगो हर्ट होगा, और आपका ईगो हर्ट होगा तो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि अपनी कमियों को मानना और उनको उस हिसाब से बदलना। सामने वाला आपसे बोलता है बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर सामने से कोई आपकी हेल्थ को लेकर, कोई आपकी किसी गलत आदत को लेकर अगर आपसे झगड़ रहा है, आपसे लड़ रहा है, आपसे बोल रहा है, अपने आप से जरा भार रख के अपने आप को जरा सोचिएगा, उससे उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं ऐसे इंसान को गलत समझकर, और उस इंसान के साथ आप बहुत ईजिली जुड़ जाते हैं टेम्प्रेरी तौर पे, जो आपको आपके वर्तमान स्थिति में जैसे आप हैं वैसे ही एक्सेप्ट करके आपके साथ बटरिंग करता है, आपके साथ एंजॉय करता है, और वही कंजम्पशन भोगने वाली प्रक्रिया चल जाती है, और आप उसमें हैप्पी हो जाते हो कि हाँ इसी की तो मुझे तलाश थी, आप ऐसे ही फंस जाते हो। आगे की बात करूं, आपकी उलझनों को और भी उलझाऊं, उससे पहले थोड़ा सा एक गाना प्यारा सा जिसमें शायद कुछ पहले जैसी बात नहीं, ये स्टेटमेंट आप सुनते होंगे ना कि अब तो तुम पहले जैसे नहीं रहे, उसी के ऊपर एक गाना लेकर आ रहा हूं, सुनिएगा जरूर, और उसके बाद जुड़ेंगे बहुत ही जल्दी। रहते हम साथ में पर चल नहीं पा रहे, बस निभा रहे, जाना ऐसी मजबूरी है क्या, तेरा मेरा दोष नहीं, हम दो बेचारे हैं दीवारे, पहले वाला नहीं है वो मजा, पहले जैसी बात नहीं, ओ, हम पहले जैसे साथ नहीं, अब पहले जैसे खास नहीं, ओ, क्यों पहले जैसी बात नहीं, अब पहले जैसी बात थोड़ा बता देना, अब कोई
कोई बता दे कैसे रिश्ते संभाले, अब कोई बता दे ना जाने नमस्कार। हाँ, पहले जैसी बात नहीं, लेकिन हम वैसा नौबत ना ही आने दे तो अच्छा है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे प्यार की कि हाँ, प्यार के रेड फ्लैग्स कहाँ आने लगते हैं, क्या एक्चुअल में प्यार को पहचानने की ताकत रखने वाले इंसान को होना चाहिए, कहाँ तक उसे सोचना चाहिए। तो हमने बात करी थी कि हाँ, अगर प्यार आपका चैलेंज की तरह आ रहा है, अगर आपकी सही चीज़ों को, सही कमियों को, आपके बेटरमेंट पे काम कर रहा है, आपसे आर्ग्यू कर रहा है, तो हाँ, समझ जाइए कि आप सही इंसान के साथ में हैं। और अगर आप उसी इंसान के साथ में रहना चाहते हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति, आपकी मनोदशा को, उसी वर्तमान मतलब एग्जिस्टिंग आपकी जो एक नेचर है, जो आपकी कह सकते हो फिनेंशियल, फिजिकल और एवरीथिंग, आप जो भी हो, आपको उसी तरीके से बटरिंग कर रहा है, उसी तरीके से अप्रिसिएट कर रहा है, उसी तरीके से आपके साथ है, ना कोई बेटरमेंट की बात, ना इम्प्रोवाइजेशन की बात, तो ये रेड फ्लैग्स हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये टेम्प्रेरी तौर पे आपको लगेगा कि प्यार है, बट धीरे 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 जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यही जो अभी आपने सुना था ना, पहले जैसी बात नहीं, वही सब सुनाई देने वाला है। तो अब काफ़ी लोग पूछते हैं यार, अगर ऐसा ही है कि प्यार जिसका असली, जिसे प्रेम बोलते हैं, जो जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कि अगर मैं पूरा सही नहीं हूं, अगर मैं परफेक्ट ही नहीं हूं, ये आपने बहुत कॉमन सी चीज़ें सुनी होंगी, अगर तुम्हें इतनी ही कमियां दिखती हैं मेरे अंदर, अगर आपको यही पता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो फिर मेरे साथ ही क्यों क्यों हो फिर मेरे साथ, ये आपको सवाल बहुत मिलेगा। आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, बोलते हैं, और आप भी बोलते होंगे शायद, कि प्यार जो है ना अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड। जी हाँ, वो आप उस प्यार की बात करें जो सामाजिक तौर पे बनाया हुआ है, जो आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, इनके थ्रू जो बनाया ना आपने प्यार, जो आपके सामाजिक तौर पे दिया गया प्यार है, वो प्यार अंधा होता है। लेकिन जो असलियत में प्रेम होता है ना, उसकी आँखें होती हैं, वो आत्मिक तौर पे आप किसी से जुड़ते हो ना, तब आपको पता पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है, प्रेम को भी मैं अगर थोड़ा सा ब्रेकअप करूँ, थोड़ा कैटेगराइज करूँ, एक प्रेम शारीरिक तल पर, एक मानसिक तल पर, एक आत्मिक तल पर। आत्मिक तल तो वो वाला तल है जिसमें सब चीज़ आ जाती हैं, बाकी तो आपको पता ही है, बाकी को भी हम अभी ब्रेकअप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आपका सवाल था, कि मतलब काफ़ी लोगों का सवाल था, कि अगर सामने वाला जानता है कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, ये सब हैं, वो सब हैं, इम्प्रोवाइज करना है, तो क्यों है मेरे साथ। असलियत में जो असली प्यार करने वाला जो होता है ना, वो हर वक्त आपका फ़ैन, हर वक्त आपका भाई प्यार करने वाला, हर वक्त आप पे बटरिंग करने वाला, ऐसा तो नहीं होगा। वो आपका आलोचक भी होगा, आपकी गलत चीज़ों पे आपके साथ झगड़ेगा भी, आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपके साथ आर्ग्यू भी करेगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुछ जो झूठा प्रेम जो होता है, जिसको एक्चुअल में सो कॉल्ड प्रेम जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, भाई तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या तुम तो ऐसे करो, वैसी शर्ट पहनो, वैसा वो करो, मतलब इस टाइप की चीज़ें उसमें हमेशा रहेंगी, उसमें कुछ भी बेटरमेंट की बात नहीं होगी। ऊपर से आपको स्वार्थ के तल पे वहाँ उठाया जाएगा, अच्छा ठीक है आप इतना कमाओ, इतना कमाने लगो, या थोड़ा सा ना ज़्यादा पैसे कमाने लगो, ताकि हम ये गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, इस टाइप की, मतलब वो स्वार्थ के तल पे ही वहाँ चीज़ें चलेंगी, उससे ऊपर नहीं उठाएंगे। मतलब आपको स्वार्थ के तल पे उठाया जाएगा, आपको आत्मिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है ना असली प्रेम जो होता है, जिसमें असलियत में जो प्यार होता है, उसमें ना तो सुंदरता दिखती है, ना कोई प्यारा, ना बाबू सोना लड्डू पकौड़ो जो हर वक्त करते रहते हैं, वो सब नहीं होता उसमें।
मतलब उसकी कोई रीज़न नहीं होता। जो कहते हैं ना कि प्यार का सच, जो असलियत में प्यार होता है उसका कुछ रीज़न नहीं होता, ना ही स्वार्थ होता है। लेकिन जो झूठा प्यार होगा ना उसका एक रीज़न भी होगा, अगर आप बैक एंड पे जाएंगे बाद में कंक्लूड करेंगे, और उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ भी होगा। अगर आप देखो वही है यार कि निस्वार्थ प्रेम को यही है कि अगर मैं बात करूँ कि वर्तमान स्थिति में जो कैद है ना, जो बंधन होता है एक इंसान का, उसको मुक्त कर देना। मतलब तुम्हारे पास वो, उसका कहना बस इतना ही होता है उसकी मतलब उससे आप सवाल करोगे ना, भाई तू क्यों है मेरे साथ? अगर मुझे प्यार करता है और मेरे अंदर कमियां भी देख रहा है, मेरे को जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो क्यों है मेरे साथ? तो उसका एक जवाब होगा जो आपको शायद दिल से सुनेंगे, आत्मा के तल पे सुनेंगे, तो आपको मिल भी जाए कि तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं क्योंकि तुम्हें वैसा देखना चाहते हैं जैसा तुम हो सकते हो। अभी तुम बंधन में हो, झूठ में हो, तुम्हें आज़ाद देखना चाहते हैं, तुम्हें बंधन मुक्त देखना चाहते हैं, तुम्हें मुक्ति देना चाहते हैं। तो यही है, देखिए प्रेम झूठा स्वार्थी चाटुकार नहीं होता। सामने से कोई चीखेगा चिल्लाएगा भी ना, वो सब सुन लेता है, आपके साथ बराबर आर्ग्यू भी करेगा, आपको ठीक करने के लिए वो पूरे एफर्ट डालेगा, लेकिन जब आप ही उसका साथ छोड़ने पे आ जाएंगे तो वो कैसे फिर आपके साथ रह पाएगा? लोग कहते हैं सच्चा प्यार मिलता नहीं, बट सच ये है कि सच्चा प्यार तुमसे बर्दाश्त होता नहीं। मिल जाए तो झेल लोगे क्या? सही सही बताओ, काबिलियत भी छोड़ दो, नीयत है? हमें प्रेम नहीं, हमें एक्चुअल में धोखा चाहिए, भ्रम चाहिए, सपनों में रहना चाहते हैं हम। एक्चुअल में एक साजिश होती है, हम बेहतर होने की बोलेंगे सामने वाले से तो वो भी बोलेगा, दिक्कत तो ये भी है ना, ईगो हर्ट हो जाएगा, भाई ऐसे कैसे? स्वार्थ के तल पर हमें बेहतर, मैंने बताया ना, बनाना चाहते हैं अंदरूनी तौर पर, नहीं कि भाई तुम इतना कमा लो, इतना भोग लेंगे, उतना भोग लेंगे। जो असली निस्वार्थ तरक्की पे साथ देना, जिसमें तुम्हारी आंतरिक तरक्की हो उसमें लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें आ रही हो, उस पल पर साथ दे, एक्चुअल में वही असली प्रेम है। ज़्यादातर आजकल जो इंस्टाग्राम FB वाला जो ऑनलाइन के नाम पर चल रहा है ना, वो लूज मोशन है। अब लूज मोशन का मतलब आप समझते हैं, हिंदी वाला तो समझते हैं, उसको थोड़ा सा और तोड़ के बता देते हैं, वो लूज मोशन जो किधर भी किसी भी साइड हो जाता है, कभी यहाँ गिरा, कभी वहाँ गिरा, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, मतलब बोले तो वो मंडी का वो वाला आलू जो हर जगह बिक जाता है। तो प्लीज़ अपने प्यार को इतना सस्ता ना बनाएं, मतलब प्यार को बदनाम मत करो, ठीक है? असली प्रेम तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे, उससे पहले आपके लिए एक प्यारा सा गाना सुनिए और वापस आइएगा। धीरे धीरे से काट रही है मुझे, बांट रही है तुझसे ये दूरियां, ये बता दे क्या प्यार नहीं था, खुद्दार कहीं का तुझे दिल क्यों दिया। आगे का रास्ता खराब था, ये लगा था बड़ा बोर्ड, मैंने बस ये सोचा होगा छोटा मोटा मोड़, हुआ जब ये हादसा और आया मुझे होश, तब जाके जाना बस यहीं तक थी रोड। माना मेरी गलती थी, मेरी थी सारी चूक, पर तेरी भी जब होती थी मुझे देती थी लुक्स, मैंने चाहा जब जाना मुझे कहानी की रुक, कुछ कहना था पर तूने कर दिया शुश। तू है बनी वजह मेरी सिसकियों की, और मैं हूँ बेटा कारण तेरे हिचकियों की, तूने भी तो पल वो सारे मिस किए होंगे, पता नहीं था कि खेलिए इतने रिस्की होंगे, तुझे याद भी नहीं आती मेरी, दैट्स अ लिटिल रूड, तू साथ नहीं है मेरे मुझे अभी लगे झूठ, क्यों छटती नहीं है साली काली सी घटा, न जाने कब निकलेगी धूप। धीरे धीरे से काट रही है मुझे, बांट रही है तुझसे दूरियां, कैसे चेंज हो रहे आपस में सारे रिश्ते, पहले हक और किस थे बस नाउ इट्स ऑल ट्विस्टेड, हमेशा दिया रिस्पेक्ट ना कभी किया मिसबिहेव, फिर भी तुझसे कह रहा हूँ फॉरगिव मी ऑल माय मिस्टेक्स, देखना तू कैसे हो गया है तेरा डीप, बस फेक झूठ बोलूं तूने किया मुझे चीट, बाकी एक बात तो है कि खोके हो गया हूँ डीप, अब वेट करो तुझे तक पहुंचे मेरे गीत, मेरे फेस पे लिखा है इमोशनली हूँ वीक, मेरा मेक है कि खो देता हूँ जो होता अजीज, साले वेस्ट हो गए हैं सारे डेट सब, जैसे मेरे चेस्ट पे किसी ने आके रख दियो ही, दूर
से ही दूजे को हम करते हैं हाय, पर अभी तुझ पे मरता हूँ, I don't know baby why, अजीब सा लगे when I see you with some guy, कोई आके दे दे मुझे कोई उपाय। धीरे धीरे से काट रही है मुझे बाट रही है तुझसे ये दूरियाँ। जितना मैं तुझको भूलना चाहूं उतना रहे मेरे पास, जाने मैं कब से जूझ रहा हूं समझे ना इतनी सी बात। धीरे धीरे से काट रही है मुझे बाट रही है तुझसे दूरियां। अगर अनदेखी जिंदगी में दोबारा से आना है आपको तो प्लीज़ थोड़ा दूर से थोड़ा पास आ जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं इस अगले अध्याय पर जिसका हम थोड़ा सा और ब्रेकअप करेंगे। मैंने बोला था ना कि प्यार को हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, थोड़ा सा मरोड़ेंगे, उसको कैटेगराइज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट में बहुत लोग फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आजकल क्या आप काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे होंगे कि भाई अटैचमेंट के नाम पर लोग अपने आप को तबाह कर लेते हैं। उसी अटैचमेंट से वो प्रूफ करते हैं कि प्यार था कितना गहरा था, पहला था, आखिरी था, सच्चा था, झूठा था। मतलब एक तो गलत ज़िंदगी जीना, गलत इंसान को चुनना, प्यार के बारे में गलत मतलब डेफिनेशन रखना या फिर ऑब्जर्वेशन रखना और बिना ऑब्जर्वेशन के प्यार कर लेना, यार ये कहाँ का इंसाफ हुआ। आप तो अटैच भी हो रहे हो और अपने आप को बर्बाद भी कर रहे हो गलत इंसान के साथ, गलत प्रेम के साथ। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप किसी से एक सही इंसान से टकरा रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलूँगा आप कनेक्ट करिए, आप कनेक्शन बनाइए। ये अटैच्ड होना, अटैचमेंट है ना, ये यार ईमेल बॉडी में समझ में आता है, किसी सॉफ्टवेयर में समझ में आता है, ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ या नॉन लिविंग चीज़ों में समझ में आता है। बट जहाँ अटैचमेंट या फिर अटैच्ड होना जहाँ पर लिविंग एंटिटीज़ के बीच में आने लगे ना, तो समझ जाओ बहुत बड़ा जख्म देने वाली चीज़ होने वाली है, क्योंकि अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ जख्म का नाम है, दूसरा नाम है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है अटैच। देखिए, जहाँ पे अटैचमेंट आ गया ना, अटैचमेंट या अटैच्ड होना आ गया, वहाँ पे मतलब है कि आपके अंदर कुछ कमजोरी है, आपके अंदर एक वीकनेस है, इंटरनल वीकनेस। आप बहुत ही डरे हुए इंसान हो, बहुत ही घबराए हुए इंसान हो, आपको अकेले रहा ही नहीं जाता, क्योंकि अटैच्ड होने के बाद वीक नहीं होता इंसान। लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बोल के कि अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं, या जो सुनते हैं मूवीज़ में देखते हैं वही चीज़ अपने आप अंदर उतारने लगते हैं कि अटैच्ड होने के बाद इंसान वीक हो जाता है। जबकि सच ये है कि आप ऑलरेडी वीक होते हैं, इसीलिए आप अटैच हो जाते हैं। इंटरनल वीकनेस ही अटैचमेंट क्रिएट करती है। जो इंटरनल वीकनेस होती है ना, आपकी आंतरिक कमजोरी, वो सिम्टम होती है जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है, अटैचमेंट। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भूल कर भी किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बना लेना। कोई आपके ऊपर इतना डिपेंड ना हो जाए कि मतलब आप उसको आश्रित बना लो और फिर आप तबाह होने वाले हो। आप बोलोगे कि भाई तबाह तो वो होगा ना, क्योंकि वो मेरे पे डिपेंड है। आप तो बोलोगे कि यार वो तो मेरे से हेल्प ले रहा है, वो मेरे से हर चीज़ में सपोर्ट ले रहा है, कितना अच्छा इंसान है। आपको तो अंदर से ऐसा लगेगा और उसे भी लगेगा कि हाँ यार, मैं जिससे हर बार पूछता हूँ, हर चीज़ पूछता हूँ, वो मेरे को मोटिवेशन देता है, वो मेरे को एनकरेज करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप उसे बर्बाद कर रहे हो और वो आपको बर्बाद कर रहा है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं अपने मोबाइल के साथ हूँ, ठीक है, और अभी मुझे उस पर कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है, कुछ भी देखना है, सपोज़ अगर मोबाइल में जान आ जाए और वो बाहर घूमने जाना चाहे, बाहर कहीं टहलने जाना चाहे, और उस टाइम पे मैं मूवी देख रहा हूँ, तो मैं उसको जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको अपना गुलाम बना लूँगा। जी हाँ, यही आप करते हो अपने उस इंसान के साथ जो आप अपने ऊपर आश्रित कर लेते हो। अगर आप किसी को आश्रित कर लोगे तो वो आपको गुलाम बना देगा, मतलब आपको कहीं जाने नहीं देगा, आपको पकड़ के रखेगा। और अगर आप नहीं होना उसके साथ, तो वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक महसूस करेगा, और मतलब
यार ये क्या कर रहे हो आप किसी के साथ, ये तो आप तबाह कर रहे हो। अगर किसी को सपोर्ट करना है तो ऐसा करो कि वो उसको फिर कभी भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत ना हो और वो फिर आगे बढ़े। लेकिन आप क्या कर लेते हो, आप उसे बांध लेते हो। इसीलिए अटैचमेंट हर्ट करती है हमेशा। और कनेक्ट जो होता है, जब कनेक्शन बनता है ना किसी के साथ, या फिर हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम प्रैक्टिकली उसे समझ पाते हैं, उसको जान पाते हैं कि उसके साथ आगे चलना है या उसको समझना है या नहीं समझना है। और इवन रेड फ्लैग जो होते हैं ना, रेड फ्लैग भी समझ में आते हैं। अटैचमेंट में आप भावनाओं को बहुत ऊपर कर लेते हो, जबकि कनेक्शन में हमेशा रीजनिंग या प्रैक्टिकलिटी सबसे ऊपर होती है। यही अंतर होता है। चलो इससे पहले हम आगे की बात जारी रखें, उससे पहले आपके लिए बहुत प्यारा सा गाना जो कि आपको समझा देगा कि आदत कितनी जबरदस्त चीज है। जिंद तेरी खुशियां नाल भर दूं, तू आखदा हुंदा सी के चन्न तेरे पैरां विच धर दूं। ना तू वादा पूरा कीता, ना तू चन्न ही ले आया, मेरे कमले दिलों क्यों तू एवें दुखां विच पाया, कि दस मजबूरी पै गई आ। दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ, दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ, दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ। दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ, दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ, दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ। मर भी गया गल मेरी चुभूगी जरा सुन के ता जा, आज मेरी गल दा गुस्सा करके ता जा, दुख तेरे सारे रख लेने में तेरे हासे नहीं रखने, निर्माण तेरे में दिते हुए दिलासे नहीं रखने, ना तेरे लिए जरूरी। दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ, दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ, दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ।
भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी आदत पड़े कि वो कभी आगे ना बढ़े। चलिए चलते हैं आगे के सिलसिले पर, जहां हम बात कर रहे थे अटैचमेंट की और कनेक्शन की। तो एक्सपेक्टेशंस या कह लीजिए अटैचमेंट होगा तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही आएंगी, और एक्सपेक्टेशंस बड़ी ही डेंजरस चीज़ है मेरे दोस्त। अगर आप किसी से उम्मीदें लगा लेते हो और वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हो और बहुत पहले लगा लेते हो तो बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेकअप करते हैं कि आप बोलेंगे, मैंने शुरू में बोला था कि प्यार जो है एक शारीरिक तल पर होता है, फिर मानसिक तल पर होता है, और फिर आत्मिक तल पर। आत्मिक तल पर तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, वो आत्मा के तल पर होता है जो जिसमें सब चीज़ आ जाती है, सभी कुछ आ जाता है, लेकिन उस तक तो जाने के लिए पूरा जन्म लग जाते हैं मेरे दोस्त। तो उस पर तो नहीं आएंगे क्योंकि उस तक कोई जा भी नहीं रहा है अब, लेकिन हम बात करेंगे कि शारीरिक तल पर जो जा रहे हैं, मानसिक तल पर जो जा रहे हैं, वही एक्चुअल में अटैचमेंट वाले इस घेर में, यानी कि स्पेशली जो मानसिक तल पर जो करते हैं ना, वो अटैचमेंट के फेर में पड़ जाते हैं। यार देखिए, प्यार करने के लिए ना दो लोगों का प्योर होना, रॉ होना, अनफिल्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर सुनते होंगे कि तुम तो पहले जैसे नहीं रहे यार, पहले तुम कुछ और थे, अब कुछ और हो। देखिए, प्यार में एक इंसान एक या तो बहुत चालू निकल आएगा, बहुत चतुर निकल आएगा, बहुत क्लेवर निकल आएगा, जो जानबूझकर आपको वो दिखाएगा। प्यार में ना दोनों, ये देखिए, प्यार की ना आप लोगों ने क्या बना रखा है, एक स्क्रिप्ट बना रखी है प्यार को। प्यार की स्क्रिप्ट जो है आपके हिसाब से, जो सामाजिक तौर पर जो प्यार है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, जो बॉलीवुड हॉलीवुड या एडवर्टीजमेंट ये सब में देखते हो आप, उससे सीखते हो कि भाई मेरा राजकुमार आएगा सफ़ेद घोड़े पर बैठ के, ये वो बाबू सोना लड्डू पकौड़ा, ये सब बना रखा है जो आपने, ठीक है। ये इस प्यार की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी स्क्रिप्ट है हम सभी के पास, ठीक है। मेरे पास वो लिस्ट है कि अगर मैं ये ऐसे 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 लड़की से बात करूँगा, इस तरीके से मैं उसे हंसूँगा, इस तरीके से अगर मैं उसे ग्रीट करूँगा, इस तरीके से अगर मैं उसकी रेस्पेक्ट करूँगा, इस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलूँगा जो समाज की बनाई हुई है, तो वो समझ जाएगी कि हाँ ये अच्छा लड़का है। उसके पास भी एक स्क्रिप्ट है जिसमें उसे पता है कि उसको कैसे कैसे रिएक्ट करना है, उसको कैसे कपड़े पहनने, किस तरीके से रहना है, इवन कैसे खाना है मेरे आगे, इस टाइप का। तो उससे क्या होगा, उससे मुझे अच्छा लगेगा। यार क्यों इतना हमने प्लान कर दिया यार इन चीज़ों को, देख रहे हो आप, कुछ भी रॉ नहीं, कुछ भी अनफिल्टर्ड नहीं, इतना सब कुछ फिल्टर लगा दिया हमने हर चीज़ पे। मतलब चलती बढ़ती सोशल मीडिया बना दिया प्यार को हमने, है कि इसमें भी फिल्टर, जब रॉ ही नहीं है कुछ भी, जब स्टार्टिंग से ही झूठ पाखंड का सब कुछ आपको देखने को मिलता है, तो जब बहुत सालों बाद जब साथ में रहने लगते हैं, जब एक दूसरे के पास रहने लगते हैं, जब वो जो अनफिल्टर्ड वाला प्यार दिखता है, मतलब अनफिल्टर्ड वाला इंसान दिखता है एक्चुअली, उसकी सोच दिखती है, तभी तो समझ में आता है ना कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अगर आप पहले से ही रॉ रहोगे, पहले से ही अनफिल्टर्ड रहोगे, तो यार सोचो ना कितनी सुलझ जाएगी ज़िंदगी, कितना आसानी से आप पता कर पाओगे या कनेक्शन बिठा पाओगे। जिस कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, जो प्यार तक की सीढ़ियाँ जाती हैं ना, वो उस कनेक्ट से ही जाती हैं मेरे दोस्त। प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता, प्यार ऐसा इतनी तुच्छी चीज़, इतनी छोटी चीज़ नहीं है जो ऐसे ही प्लान करके आपको मिल जाएगी कि आपने प्लान किया, आपने झूठा दिखावा करा, आपने उसको दिखाए सपने बड़े बड़े, या आपने वो स्क्रिप्ट के फॉलो करा जो आपके पास स्क्रिप्ट है, उसने भी वो स्क्रिप्ट फॉलो करी जो उसके पास है। अरे यार सबसे पहली चीज़, आप उसको इतना भरोसा दिलाओ ना, आप उसको इतना सामने वाले को इस तरीके से उसके साथ कनेक्ट बिठाओ कि उसे पता पड़ जाए कि यार ये वो स्क्रिप्ट फॉलो करने वाला बंदा नहीं है, तो वो भी अपने आप अपनी स्क्रिप्ट छोड़ देगा अगर सही इंसान हुआ तो। अगर गलत इंसान हुआ तो आप उसे पहचान जाओ कि यार ये तो स्क्रिप्ट को छोड़ ही नहीं रहा, ये तो उस मुखौटे लगा के घूम रहा है अभी भी, ठीक है। आप मुखौटा छोड़ दो ना, या तो वो आपको छोड़ देगा या आप उसे छोड़ दोगे, इतना सरल है प्यार, ठीक है। लेकिन आप उस तक जाते ही नहीं हो, आप तो उसी ढकोसले में फंसे हुए। या तो देखो, शारीरिक तल पे अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, किसी को चाह रहे हो, तो एकदम क्लियर बता के करो यार, क्योंकि यार ये झूठ बोलकर पाखंड कर ये बहुत गलत है। ये झूठ और पाखंड में जीना ना, ये सबसे हर्टिंग हो जाता है। इसकी वजह से एक बंदे को सफ़र करना पड़ता है। देखिए, एक गलत इंसान होगा प्यार में, मतलब झूठे प्यार में, और एक सही इंसान होगा जो सच्चे प्यार तक कनेक्ट करना चाह रहा होगा। तो झूठा इंसान उसे वही बेवकूफ़ी वाली स्क्रिप्ट पढ़ के दिखाएगा, लेकिन ये जो दूसरा इंसान है ना, ये भावनाओं में फंस के उलझ के उसको सच मान लेता है, क्योंकि हमें प्रोग्राम ऐसे किया गया, हमारी सोसाइटी ने ऐसे बताया, हमें इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं हमारे आगे, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने दिखाया ही है हमें कि प्यार का मतलब ये है कि अगर बंदा ऐसे लड़का ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसे शरमाएगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे हिचकेगा, और ऐसी लड़की का है कि वो अगर ऐसे बालों पर हाथ फिराएगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो ऐसे नजरें झुकाएगी तो प्यार हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, प्यार क्या अब इन चीज़ों से होगा क्या कि लड़की का पल्लू उड़ रहा है और तुम्हारे हाथों में फंस गया और प्यार हो गया। मत इतना इम्प्रैक्टिकल मत बनो यार, अपने आप को जितना रॉ रख सकते हो, जितना अनफिल्टर्ड रख सकते हो, प्लीज़ उतना अनफिल्टर्ड उतना रॉ रखो ताकि चीज़ें बहुत ईजी हो जाएं। ये एक्सपेक्टेशंस अटैचमेंट से दूर रहो, भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो यार। मैं ये नहीं कह रहा इमोशंस को ख़त्म कर दो, बट
कोशिश करो, ट्राई करो कि इमोशंस आपके ऊपर हावी ना हो, ठीक है। एक प्रैक्टिकलिटी जरूर रखो अपने माइंड में कि हाँ, आप जिसके साथ जुड़ रहे हो, जिसके साथ आप प्यार करने वाले हो या स्टार्ट करने वाले हो जिंदगी, या जिसके साथ वो सफ़र जो मंजिल है ना, मंजिल तो चलो ठीक है प्यार है, वो तो जिंदगी भर उसे फॉलो करोगे तब भी नहीं मिलेगी वो, लेकिन उस मंजिल तक चलने के लिए कम से कम प्योर अनफिल्टर्ड होना पड़ेगा। और सामने वाले अपने पार्टनर को उसका चुनाव भी तो ऐसा करो ना, अगर उसका चुनाव सही करोगे, सही इंसान को चुनोगे, तो सफ़र में उतना ही मजा आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, सुनकर लौट कर आइएगा जरूर। रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखाना पर आई वे, होया की जे तू मैथों दूर हो गया, सुपना दोहा दा चूरो चूर हो गया, हाँ तेरे नाल रहूं मेरी परछाई वे। रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखाना पर आई वे, रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखाना पर आई वे। छड़ के दूजे मोहल्ले विच कर पालिया, सवेर दी अजान सुन के नमाज दी जगह ते तेरा नाम मैं लिया, पर मेरी सुनी ना अल्लाह गैर हो गया, उत्तों दुनिया दा साटे नाल वैर हो गया, देखी कल्ले किते ना रुल जाई वे। रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखाना पर आई वे, रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखाना पर आई वे। रखना सिखया नहीं, जदों मेरे बिना रहना पैना है, हाले ओ वक्त तेनू दिखया नहीं, सहारा कोई देवे ता एहसान ना लई, दुख पूछे जे कोई तेनू मेरा नाम ना लई, वे निर्माण जोंदे जीना मर जाई वे। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं रोना है, आपको तो बस अपने आप पर काम करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है मेरे दोस्त। तो हम बात कर रहे थे प्यार की, तो प्यार के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्यार जो होता है ना, वो प्रसाद की तरह होता है, जो हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता,
ये उसी को नसीब होता है जो अपने आप को रॉ, अनफिल्टर्ड और एकदम सरल सहज रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर दो इंसानों की शादी हो गई, एक पति पत्नी, तो उन लोगों को प्रेम प्राप्त हो गया, प्यार मिल गया उन्हें, नहीं। ये बड़ा ही गलत सोसाइटी ने बना रखा है कि भी शादी करा दो तो प्यारा तो अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है ना, पति पत्नी जो है ना, एक दूसरे को अधिकार दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते, उनके प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि प्रेम को पाने के लिए उतना ही समर्पण चाहिए जितना हम भगवान को पाने के लिए करते हैं, क्योंकि प्रेम को हम नहीं, प्रेम हमको चुनता है, मेरे दोस्त। तो ये गलती भी हटा दें कि प्यार जो है वो ऐसे ही ईजीली मिल जाता है, वो वाला जो सच्चा प्यार है वो तो नहीं मिलता। खैर, हम बात कर रहे थे कि भाई एक्सपेक्टेशंस और ये तुम्हारी आदत, ये सब चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो यार, अगर खुद की मुक्ति चाहते हो ना, खुद लगता है कि बहुत चीज़ों में उलझे हुए हो, तो सबसे पहले ना दूसरे को मुक्त कर दो। अगर किसी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों में उलझे हुए हो, तो मैं तो कह रहा हूँ सामने वाले को मुक्त कर दो। क्योंकि पता क्या होता है, दूसरे से उम्मीद रखोगे तो खुद भी फंसोगे यार, क्योंकि और ये प्रेम नहीं है मेरे भाई। इसे बोलते हैं आपसी सहमति से गुलामी कबूल कर लेना, म्यूचुअल गुलामी हो गई, ठीक है। कि भाई तू मेरा घर चला दे, मैं तेरा खर्चा चला दूंगा, तू मेरी रोटी बना दे, मैं तेरे लिए साड़ी ला दूंगा, ये तो व्यापार है यार, इसे प्रेम तो मत बोलो कम से कम यार। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग? जैसे अब देखो एग्जांपल के लिए, लोग देखो शादी करने के लिए, शादी के लिए तलाश करते हैं भाई मैट्रिमोनियल साइट पे। देखो बुरा मत मानना, कड़वा सच बोलूंगा, मैट्रिमोनियल साइट पे इधर उधर से अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते आते हैं, शादी वादी के लिए, आंख बंद करके जो भी उम्र होगी चल शादी कर लो भाई, शादी कर लो। तो शादी की तलाश में एक्चुअल में वो शरीर देख रहे होते हैं ना यार, झूठ मत बोलना, शरीर ही तो देखते हैं हम शादी करने के लिए, ठीक है। कि भाई ठीक है, प्यार तो बाद में, प्यार को हम सेकेंडरी कर देते हैं, प्राइमरी तौर पे तो हम शरीर देख रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये गलत हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को भाई तुम गलत मानो, बिल्कुल ये करो वो करो, बट देखो उसमें कोई खोट नहीं है, बट ये नेचुरल है, ठीक है। बट उसको प्यार का नाम तो मत दो यार, झूठ बोल के ऐसे हासिल करना तो खोट हो गया ना। और अगर आप शरीर देख रहे हो शादी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप वैसी आंख बंद करके प्यार को सेकेंडरी रख के तब आप प्राइमरी तौर पर शरीर देख रहे हो, तो यार सबसे पहली चीज़ जो है उसमें मेडिकल टेस्ट होने चाहिए ना दोनों के। बट क्या होता है, हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, हम बाकी चीज़ों को, ये पार्टी सार्टी दहेज वहेज इन चीज़ों को प्राइमरी रखते हैं। तो भाई पूरा समाज बदलना पड़ेगा, तभी सत्य प्रेम और मुक्त लोग समाज में आएंगे, नहीं तो ऐसे तो लोगों को जीने भी नहीं दिया जाएगा अगर आ भी गए। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अपने आप पर काम करो, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, अपनी हेल्थ, सबसे पहले तो अपने आप को प्यार करो, उसके बाद अपनी हेल्थ को, कि भाई अपने आप में मुझे क्या क्या चाहिए। अपने आप को हेल्दी रखो, सबसे ऊपर रखो हेल्थ को, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल। देखिए पैसा जो है ना, पैसा एक टूल है, मनी इज़ ए टूल, कि आप उससे बहुत सारी चीज़ें अनलॉक कर सकते हो। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, आपकी पर्पज लिस्ट में क्या क्या है जो पैसे से अनलॉक होने वाली है। अब ये नहीं कह रहा मैं पैसे के पीछे अंधे होकर भाग जाओ, पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है, पैसे से आप अनलॉक कर सकते हो बहुत सारे दरवाजे। तो पैसे को भी रखो, लेकिन हेल्थ को सबसे ऊपर, उसके बाद पैसा, जिससे आपके पर्पज अनलॉक होने वाले, और किसी ऐसे पर्पज से जुड़िएगा मेरे दोस्त जो बहुत ऊँचे लेवल का हो, जिससे मतलब निस्वार्थ, आपको कुछ उम्मीद ना हो लेकिन जिससे आपको सुकून मिलने वाला हो। कहते हैं ना प्लेजर, जिस सुख की बात कर रहा था, इस इंसान के आने से आपको प्लेजर मिलता है, वो प्लेजर से भी ऊपर की एक चीज़ होती है जिसे हम सुकून बोलते हैं, कुछ लोग आनंद बोलते हैं। तो उससे जुड़ने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको उसी लेवल का एक पर्पस भी चुनना पड़ेगा, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो उस पर्पस के साथ उस सफ़र पर निकल जाइए। अगर उस पर्पस में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस निस्वार्थ आपके साथ जुड़ने के लिए अगर कोई इंसान आपसे मिलता है, तो उसमें बुराई क्या है। और मैं ये नहीं कहता कि शारीरिक तल पर, जब आत्मिक तल पर प्रेम होता है ना, तो शारीरिक तल पर भी उसमें प्रेम आता है, बट वो हाथी होता है ना, हाथी इतना बड़ा होता है, वो होता है आत्मिक तौर पर, और हाथी की पूंछ होती है वो होता है शारीरिक तल पर प्रेम। तो एक तरीके से समझिए, पूरा हाथी अगर आपको मिल रहा है, उसमें अगर पूंछ भी आ रही है साथ में, तो दिक्कत क्या है मेरे दोस्त। तो प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, खुद पर काम करिए। मैं अभी भी बोलूँगा, खुद का स्तर इतना ऊँचा कर लीजिए कि आपके साथ जुड़ने वाले लोग भी, उनका स्तर भी बहुत ऊँचा हो। और लास्ट में कहते बोलूँगा, अपने आप पर काम करिए, और जब आप अपने आप को अच्छा खाइए, खाइए मतलब अपने आप को हेल्दी भी रखिए, फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे भी, खाना दो तरीके से होता है, तो अपनी संगति भी ज़रा ध्यान से चुनिएगा। क्योंकि जब आप अपनी किसी के साथ रहते हैं ना, तो अपने आप को मेंटली तौर पे आप खाना देते हैं, वो खाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी पॉजिटिव वाइब्स रहें, आपकी एनर्जी पूरी बनी रहे। अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, मेंटली फिट रखिए, बिंदास रहिए, अनलॉक करते रहिए अपने दरवाजे मनी के साथ, टूल की समझ, मतलब टूल से ऊपर मत समझिएगा उसे। बाकी प्यार बांटते रहिए, प्यार करते रहिए, सही इंसान का चुनाव करिए, और जहाँ पे लग रहा हो आपको अटैचमेंट आ रहा है, या फिर कोई सामने वाला इंसान चतुराई कर रहा है, रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, वहाँ से हट जाइए। क्योंकि गलत इंसान के साथ अगर आप चलेंगे,
तो आपकी जिंदगी भी गलत हो जाएगी मेरे दोस्त। सो सही जिंदगी बनानी है, प्यार करना है, सही से रहिए, बिंदास रहिए, और अगला गाना आपके लिए सुनते रहिए। लव यू है, रेस्पेक्ट है, साइनिंग ऑफ दीपक सम्राट चौधरी। मुझसे जुड़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कुछ भी सवाल होंगे, और मेरी ईमेल आईडी है samarachh@gmail.com। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, पूछिएगा जरूर। बाय बाय। I don't know what is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे डालूँ मैं ब्लेम, क्यों रे मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, दोस्त बन गया अब ये साला पेन, अब भाड़ में जा लाइफ के सारे एम, रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax, Dino James, मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूँ और ये फालतू के थॉट से दूर रहूँ, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूँ, दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है, माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं है, बाकी है जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ, ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू, कभी लगता है उसे मैं जानता हूँ, फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू, वेट डोंट टेल मी तू है, हेलो बेबी इज इट यू, क्या ये तू है जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुप के बैठी है, अब क्या चाहिए तुझे जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है, आई कांट बिलीव दैट अभी तक पगली तू मेरे अंदर ऐसे जिंदा है, इस गेम का साला कोई रेफरी है जो हम दोनों के पॉइंट्स गिन रहा है, तुझे जरा सा भी आइडिया है मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल गई है, कभी लगता है तेरा लॉस्ट माय माइंड, समझ नहीं आता क्या गलत क्या सही है, दो दिन में तूने मुझे भुला दिया, पीस ऑफ फूड तेरे अंदर क्या कोई दिल नहीं है, तुझे अनकंडीशनली मैंने प्यार किया है, शायद इतनी सी मेरी गलती है, तुझे याद है तू हक करके कहती थी डी प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी, मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं, उलझ गई थी यार साली जिंदगी था बिटवीन अ डेविल एंड अ फकिंग डीप सी, आई विश तू मुझे समझ पाती उस वक्त में तेरी सबसे ज्यादा नीड थी, जानती है तेरे कारण मैंने कितने दोस्त छोड़े, मैंने उन सब तक बातें की नहीं, मैंने क्या क्या सहा है तेरे चक्कर में, किसी को बता भी नहीं सकता मैं लाउडली, ये सब जानकर भी यू नो क्यों हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की cause I really loved you और पहले दिन से मैंने तेरे को समझ लिया था अपनी बीवी, कभी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरे पास वापस आ जाए, मैं तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तू मेरे सारे सैक्रिफाइसेस को समझ पाए, काश मैं तुझे बता पाता लड़की हाउ मच यू रियली मीन टू मी, मैं ऐसा क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आए, तुझे मेरी याद है हमने पी ली थी, फिर बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी, मैं तो लिटरली आ गया था ऑन मनी, लोगों से भर गया था ना पूरा सीसीडी, अभी जाता हूं तो वेटर्स पूछते हैं सर जी कि आजकल मैडम दिखती नहीं, फिर मैं झूठ बोलता हूं कि तू काम में बिजी था, शी इज वर्किंग फॉर जंबिक एमएनसी, मैं कुछ भी करूं बेबी क्या फर्क पड़ता है, तूने तो वही किया जो तुझे करना है, पता नहीं था कि जब मैं लट्टू था उस समय से एचए ने मुझे डरना है, सब बोलते भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला फनी डीनो नहीं लगता है, मैं जिंदा हूं साला वो काफी है, मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है, मैं मानता हूं मैं कंगाल था, मैं मानता हूं मेरा बुरा हाल था, मैं मानता हूं कि मैं एक लूजर हूं और तेरे फ्रीडम के बीच में एक वॉल था, मैं मानता हूं कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है, मैं मानता हूं सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम लाचार था, मैं मानता हूं मैं इनसिक्योर हूं और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था, मैं मानता हूं मैं चिल्लाता था और हमेशा लड़ने को तैयार था, मैं मानता हूं हर वक्त शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था, पर भगवान जानता है बेटा तेरे को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था, ये होने का भी शायद कोई कारण ही होगा, इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है, क्योंकि ना तू मेरे चाहने से आई थी बेबी और तू ना मेरे चाहने से गई है, शायद ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन था, शायद मैंने थी ये सब स्टोरीज पकाई, शायद यू नेवर लव्ड मी एंड आई वाज जस्ट अनदर फकिंग गाय इन योर लाइफ, तेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुझसे बड़ा, कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा, हिम्मत से तूने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुश हूं, देयर आई गेव माय बेस्ट और जो बन पड़ा मैंने उस सब किया, पर अफसोस तुझे कुछ याद नहीं और ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा, यू नो आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाया हूं मैं तेरे फोटोज तक डिलीट करने की, गुस्से में पहले फेंक देता हूं फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूं तूने जो रिंग दी थी, चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूं होपिंग कभी तो तूने लिखा होगा तेरा रियली रियली मिस माय डियर, कितने स्वीट हुआ
करते थे ना आधे आधे घंटे के हम दोनों के ब्रेकअप, फिर कैसे रोती हुई शक्लें बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपने पिक्स व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था चली जा, जानता था लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक, पर पता नहीं था इस बार तू लौटेगी नहीं, तेरी लाइफ में कोई और आ चुका ना बेबी यार। 10 दिन में तू किसी और के साथ में थी, इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का, मुझे संभलने का, एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो देती। मैं भी एक वीक इंसान ही हूँ बाबा, हो गई यार मुझसे गलती, ये कंफ्यूजन था सॉर्ट हो जाता, लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी। बहुत जल्द मैं देखना तुझे भुला दूंगा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, मैं दुनिया की उसे सारी खुशियां दूंगा, वही होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा? ओह फक आई एम रॉन्ग, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सब कहते डीनो जस्ट लेट गो, पर तू बता मैं तुझे कैसे जाने दूं, यू आर माय लिटिल पपी ना, अब तू बता ऐसी हालत में मैं क्या करूं, कब तक ऐसे डिनाइल में रो रो कर मैं अपनी लाइफ जीऊं, काश ऊपर वाला मुझे एक मौका दे कि तुझसे आकर मैं ये कह सकूं। क्या बताऊं दिल में यूं खामोशियां है क्यों, तू बता मैं क्या करूं, तुझे मैं कैसे जाने दूं कि तुझे मेरी याद।